तो रोलेक्स भाई की एंट्री हो चुकी है फिर से थिएटर्स में। दोस्तों रोलेक्स भाई कौन? वो है भाई हमारे सूर्या भाई। इस मूवी का नाम है दोस्तों कनगुआ। कनगुआ को लेकर काफी टाइम से हाइप क्रिएट हो गई थी क्योंकि दोस्तों इसमें बॉबी देओल सर भी है। इसमें हम बात करेंगे कनगुआ मूवी की OTT रिलीज डेट के बारे में, अपडेट्स के बारे में, बहुत सारे भाई लोग डिमांड कर रहे थे। तो हाँ, सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए अगर मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो। बस आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक की कमी मत करना और बस एंड तक देखते रहो वीडियो को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। डेफिनेटली दोस्तों ये मूवी जो है हाइप में रहने वाली ही मूवी थी क्योंकि मूवी के गाने हमने सुने, मूवी का ट्रेलर हमने देखा है, मतलब एक अलग वाइब की ये मूवी है। और ओवरऑल इसमें मार धाड़ तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल रहा है। तो ऐसी एक्शन टाइप जो मूवीज़ होती है वो ऑडियंस को पसंद आती ही आती है। खैर बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों रिलीज़ हो चुकी है, 2 दिन हो चुके हैं और मूवी का जो अभी तक कलेक्शन निकल कर आया है, पहले दिन का तो बहुत ज़्यादा ग्रेट निकला जो कि लगभग 24 करोड़ के अराउंड था। लेकिन Day 2 में यानी कि फ्राइडे के दिन दोस्तों, कल के दिन इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा ही डाउन गया, सीधा 9 करोड़ के करीब में। तो इतना ज़्यादा मतलब ड्रॉप, इतना ज़्यादा डाउनफॉल दोस्तों मेरे हिसाब से सही नहीं है मूवी के लिए। एकदम रिलीज़ के 1-2 दिन में ही मतलब इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं आना चाहिए। खैर दोस्तों अभी तो आगे पता लगेगा कि मूवी क्या कुछ कर पाती है थिएटर्स में। बात करें मूवी के प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो ये चीज़ें जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवी के जो राइट्स है बताया जा रहा है 100 करोड़ में खरीदे है। किसने खरीदे है दोस्तों 100 करोड़ में? अमेजन प्राइम वालों ने दोस्तों कनगुआ मूवी के राइट्स खरीदे हैं हिंदी डब के साथ में, मतलब 100 करोड़ में, समझ रहे हो? मतलब मूवी कितनी ज़्यादा डिमांड में थी OTT प्लेटफॉर्म पर कि भाई अमेजन प्राइम ने बाजी मार ली, वरना नेटफ्लिक्स जो है बड़ी बड़ी मूवीज़ के राइट्स बैक टू बैक एक्वायर करते जा रहा है। तो अमेजन प्राइम को पता है भाई कहाँ हाथ मारना है कहाँ में नहीं, ऐसे कुछ इनकी चीज़ें चलती रहती है। खैर बात करें इसकी रिलीज डेट क्या होंगी, कनगुआ OTT प्लेटफॉर्म पर कब देखने को मिलेंगी। दोस्तों मूवी जस्ट अभी रिलीज हुई है, इसे आए हुए ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मूवी दोस्तों आपको इस मंथ में नहीं बल्कि सीधा नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेंगी, दिसंबर के मंथ में। रिलीज डेट के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। ये मूवी दोस्तों आपको रेंटल बेसिस पे, पहले अमेजन प्राइम पर रेंट पर आती है, तो ये मूवी रेंटल बेसिस में आपको दोस्तों देखने को मिलेगी क्रिसमस के टाइम पर, दोस्तों लगभग 25 दिसंबर के अराउंड। उससे पहले भी आ सकती है क्योंकि रेंटल में आ रही है, लेकिन हाँ 25 दिसंबर तक रेंटल पे आ जाएंगी। लेकिन हाँ ये मूवी अगर आपको सब्सक्रिप्शन वालों के लिए चाहिए तो आपको भाई जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक दोस्तों ये मूवी सब्सक्रिप्शन वालों के लिए भी आ जाएंगी। लेकिन रेंट पर आ जाती है तो सब लोग जुगाड़ कर लेते हैं भाई, तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत किसी को सब्सक्रिप्शन की नहीं पड़ती। क्या सोचते हो इसके बारे में, एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।